क्या है? शराब का बोतल है। देखिए क्या नाम होगा आपका? छठी देवी। कितने से काम कर रहे हैं? 20-25 दिन से। 20-25 दिन से कोनो तकलीफ दिक्कत नहीं ना है? कोनो दिक्कत नहीं। कितना नंबर वार्ड का घर है? 11 नंबर वार्ड में। किसी का नाम बताइए? अफरोज नैयर। ग्राम पंचायत रहा बैकुठुआ में हम लोग। क्या चीज की मेरा काम हो रहा है? केवल सिलाई हो रहा है यहाँ पर? खाली सिलाई। मुखिया जी आते हैं कि नहीं जी आप यहाँ पर साइड पर? नहीं है। नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज। आज मैं बैकुठुआ पंचायत के अंतर्गत मनरेगा का काम यहाँ पे हो रहा है, नहर की सफाई हो रही है यहाँ पर, और मैं लाइव दिखा रहा हूँ आप सब कैसी सफाई हो रही है, क्या क्या सफाई हो रहा है इसके अंदर, और क्या क्या इनको मिला है और क्या ये करवा रहे हैं। आप जाइए देखिएगा ये क्या है। शराब का बोतल है। देखिए क्या बताए हम, शराब का बोतल नहर पड़ा है। हाँ भाई साहब, हेलो, कितने बजे आते हैं यहाँ पर? 6 से 11 बजे आते हैं। काम कैसा कर रहे हैं आप? कैसा हो रहा है काम यहाँ? डूबी भी सेर रहे हैं ना? खाली डूबी भी सेर रहे हैं। देखिए माटी नहीं कोड़ा रहा, बस घास को छिला जा रहा है, और इसके बाद क्या होगा वो भी आप उन सब मिलकर हम बात करेंगे। आइए इधर आइए, बहुत मजदूर काम का। किस नंबर वार्ड के आप लोग हैं जी? ये 11 नंबर वार्ड का काम हो रहा है। आप लोग किस नंबर से हैं? कितने नंबर वार्ड से है काका? 11 नंबर। हाँ। कितने से काम कर रहे हैं यहाँ पर? उनका होगा लमसम 18 दिन 20 दिन। 18-20 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना है? ना कोनो दिक्कत, काम बढ़िया हो रहा है ना। हाँ। आपके गांव आपके पंचायत के अंदर काम हो रहा है और आपको बोलने का अधिकार है। क्या बोलना चाहते हैं, काम कैसा हो रहा है? नहीं नहीं हंसना नहीं है इसमें, बोले बोलिए पहले कैसा काम हो रहा है। आइए कैसा काम हो रहा है भाई? ठीक भाई हो रहा है। बस घास की छिलाई दिखाई दे रही है, क्या सच है? हाँ सच है। ठीक, इससे आप लोग बस छिलने के लिए आपको रखा गया? बस देखिए केवल छिलाई हो रही है। हाँ हेलो, क्या नाम होगा आपका? जगमोहन कुमार। कितने से काम कर रहे हैं यहाँ पर? 15-20 दिन से काम कर रहे। क्या चीज़ की मेरा काम हो रहा है? केवल छिलाई हो रहा है यहाँ पर? खाली छिलाई हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर हम मिले हैं और दिखाई दे रहा है कि केवल छिलाई का काम हो रहा है, और आगे इसको कोड़वाने का जो काम है वो कोई और ठीदार करेंगे, और मैं यहाँ बात करूँगा। आइए कुछ, हाँ केवल देखिए ये कोई घास निकाला जा रहा है, घास छिलाई काम हो रहा है यहाँ पर। आगे आइए, हम कुछ महिलाएं भी काम कर रही है इसके अंदर, किस वार्ड की है और किनके अंतर्गत काम कर रही है, कैसा काम हो रहा है, कितना सही से पैसा वैसा मिलता है कि नहीं, सब जानने के लिए हम लोग आ चुके हैं। चलिए हम बात करेंगे। आइए, क्या नाम होगा आपका? छठी देवी। कितने से काम कर रहे हैं? 20-25 दिन से। 20-25 दिन से कोनो तकलीफ दिक्कत नहीं ना है? कोनो दिक्कत नहीं। कितना नंबर वार्ड का घर है? 11 नंबर वार्ड में घर। हाँ। है। अच्छा आइए जाए, आप लोग कितने नंबर वार्ड के हैं जी? 11। आपके कितने से काम कर रहे हैं आप लोग? 20 दिन से काम कर रहे हैं। काफी काम हो रहा है इसमें? इस नहर में सर सर होता, केवल छिलाई हो रही है। देखिए यहाँ पर तो बिहार की हमारी महिला वो भी काम कर रही है इसके अंदर। क्या नाम होगा आपका जी? ईश्वर लाल शाह जी। कितने से काम करा रहे हैं ये? 22-23 दिन हो गया। और नहर की सफाई हो रही है, कितना फीट आपको मिला है? 1500 फीट। मुखिया जी का नाम बताइए? अफरोज नैयर। ग्राम पंचायत रहा बैकुठुआ में हम लोग अभी है, और मुखिया जी का नाम क्या है? अफरोज नैयर। और देखिए अभी हम लोग 1500 इनको फुट मिला है नहर साफ कराने का, इसको खड़ा कराना है, झाड़ के माटी थोड़ा सा जो खाल है उसको बराबर कराना है। इससे आगे उस तरह किए हैं आप? ना अभी 100 फीट किए हैं, उसके बाद अभी बाकी। कितना फीट किए हैं? 100 फीट बराबर किए हैं उसके। अभी 100 फीट हुआ है, और इधर कितना फीट बाकी है अभी जाने में? इधर 25-30 फीट बाकी है। 25-30 फीट। मैं समझे कि यहाँ पर 100 फीट काम पर मतलब कोड़ाई किया गया है, उसके बाद केवल सिलाई कर रहा है आप लोग, तो क्या बोलते हैं टेंडर आपको किसने दिया है कि किसके सहायक से मिला आपको? मुखिया जी के सहायक से मिला है। और मुखिया जी घर यही है नकटी पटेरवा। नदी नकटी पटेरवा। मुखिया जी कहाँ है? मुखिया जी अभी गए अपने साइड पर। आते हैं कि नहीं मुखिया जी? आते हैं। मुखिया जी आते हैं कि नहीं जी आप यहाँ पर साइड पर? नहीं आते हैं अभी। नहीं। नमस्कार, ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ तत्काल न्यूज़ में। सूरज कुमार, जय हिंद जय भारत।